गुलबर्गा, बिदर, यादगीर, बीजापुर चार डिस्ट्रिक्ट से आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट और कार्यकर्ताओं को जमा कर गुलबर्गा आम आदमी पार्टी सिटी प्रेसिडेंट सज्जाद अली नामदार की सदारत में ग्राम संपर्क अभियान प्रोग्राम गुलबर्गा रंग मंदिर में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में आम आदमी पार्टी कर्नाटका स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और ऑर्गेनाइजिंग हेड विजय शर्मा के अलावा कई स्टेट लीडर्स और डिस्ट्रिक्ट तालुका और देहातों से कार्यकर्ता मौजूद थे। विजय शर्मा के जरिए इस प्रोग्राम में तमाम पार्टी लीडर्स और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई किस तरह तालुका विलेजर्स और देहातों में वार्ड कमेटी बूथ कमेटी बनाएं और लोगों को किस तरह आम आदमी पार्टी से जोड़ा जाए। आम आदमी पार्टी आने वाले 2023 इलेक्शन में काफ़ी मजबूती से बीजेपी कांग्रेस जेडीएस को टक्कर देने का दावा कर रही है। इस प्रोग्राम में विजय शर्मा, सज्जाद अली नामदार और दीगर लीडर्स ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया किस तरह डोर टू डोर जाकर जनता को आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के जरिए दिल्ली डेवलपमेंट की जानकारी देते हुए कर्नाटक में भी दिल्ली की तरह बढ़िया स्कूल, हॉस्पिटल और रोजगार देने का भरोसा दिलाएं और आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को वोट देने की गुजारिश करें। गुलबर्गा हेडलाइन से बात करते हुए विजय शर्मा ने कहा, बीजेपी हर आए दिन हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, गाय, बकरी पर राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की तरह जब कर्नाटका में हुकूमत बनाएगी तब एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत होगी। देखिए गुलबर्गा में आपको पानी कैसा मिल रहा है। हम गुलबर्गा में पानी के लिए, आपको साफ पानी पिलाने के लिए कई दिनों से, कई सालों से एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार को आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ के एमएलए औरतें, हमारी बहनें धूप में दर दर फिर रही हैं पानी के लिए। कभी आके महल्ले में क्या हो रहा है, पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है बोल के कोई पूछने वाले एमएलए हमारे पास हैं। स्कूल को जब बच्चों को भेजते हैं, साल को एक बच्चे को 10 से 15 हजार रुपए खर्चा आता है। सरकारी स्कूल खंडर बन के पड़े हुए हैं, कोई पढ़ाते नहीं। तो इसके लिए हमको बदलाव लाना है, हम इस सरकार को बदलना है। बदउनवान सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार। ಯಾರು ಪಾ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ತರ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। यहाँ जितने भी माताएं बहने बैठी, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि हम यहाँ कोई आदमी ताली बजाया तो उसके पीछे हम भी ताली बजाने वाले बनेंगे। इसके लिए हम मीटिंग में नहीं आए। यहाँ एक एक आदमी को पूरी चीजें ध्यान में सुन के यहाँ से जाना पड़ेगा और जाने के बाद में ये जो राम की राजनीति, ये जो बढ़ती हुई महंगाई की राजनीति, ये मुसलमान और हिंदू में द्वेष पैदा करने की राजनीति, ये दलित के ऊपर दौर्जन्य करने की राजनीति, इस राजनीति को अगर खत्म करना है तो यहाँ में जीत भी आना है और हमको समझ के भी जाना पड़ेगा कि यहाँ से जाने के बाद हमको क्या करना है। अर्ध घंटा जो मतलब तक ना कहो ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ। ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹಣ ಬಲ, ತೋಳು ಬಲ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ರೊಕ್ಕ, ದಾರು ಇಂತಿರೋದು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಬಟ್ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿರೋದು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ಪಕ್ಷ 70ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 0 ಬಿಜೆಪಿ 3, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ 67 ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಯ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ। ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿರೋದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದು। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯವರು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ 2000 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು 15,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯವರು, ಅವರು 2,500 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು 12,000 ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಈ ಥರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನೆಟ್ ವೈಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದು ಬರೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್। ಸೊ ನಾನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ವಿಜಯ್ ಶರ್ಮಾ। ನಾನು ಆಳಂದಿನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂತು MLA ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಸೇರಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡಿ। ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಆನೆಸ್ಟ್ ಜನರದ್ದು ಒಂದು ಫೋರಮ್ ಇದೆ, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ।
आम आदमी पक्षदू बंदी अंतर्रेलू कॉर्पोरेटर आती एम एल आती एम पी आती अंत नंबिके इकोड़ बेड आम आदमी पक्ष टोपी हाकंडर जनर बेरे दृष्टि नोड़ता है दीज आर् दि हानेस्ट पीपल दीज आर् दि पीपल हु आर कमिटेड फॉर् दिस नेशन अंत हेतर विजय शर्मा संघटने बे जास्ती इवत को ಇದೊಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೋ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತರ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಜೋ ಹಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಾಲೋನೆ ಏಕ್ ಬದಲಾವ್ ಕಿಯಾ ಕುಚ್ ಸಾಲ್ ಪಹಲೆ ದಿಲ್ಲಿ ಕಿ ಜನತಾ ಉಸ್ಸೆ ಬಹುತ್ ಖುಷ್ ಹೈ ಏಕ್ ಬದಲಾವ್ ಅಭಿ ಆಪ್ನೆ ಪಂಜಾಬ್ ಮೇ ಭಿ ದೇಖಾ ವೋ ಪಂಜಾಬ್ ಕೆ ಲೋಗೋ ನೇ ಕಿಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿ ಜನತಾ ಭಿ ಆಜ್ ವಹಾಂ ಬಹುತ್ ಖುಷ್ ಹೈ वही बदलाव हम लोग कर्नाटक में भी देखना चाहते हैं कि कर्नाटक की जनता इस बार एक बड़ा बदलाव करे और आम आदमी पार्टी को कर्नाटक में भारी बहुमत से विजयी बनाए। पार्टी के प्रति दिल्ली में हमने जज्बा देखा है, दिल्ली में और पंजाब में हरियाणा में हमने देखा है, बट आई एम अमेज्ड। हम लोग बहुत खुश हैं और अंदर से एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि कर्नाटका में इतना अच्छा रिस्पॉन्स, नॉट ओनली इन कालाबुर्गी गुलबर्गा, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ ये जोनल मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और पता लग रहा है कर्नाटका में भी ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर भ्रष्टाचार और अपने राज्य से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। कर्नाटक से अगर कोई भी एक इलेक्शन जीता तो बीदर से जीता है और हमने प्रूफ करके दिखा है। बीदर से पहला काउंसिलर जो है, हमने जब मैं और सर डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे बीदर में संगठन नहीं था हमारा, बसों कल्याण में था और बीदर में हमारे जमील भी अकेले ही थे उधर उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अविनाश मिला तो दो जन हम विजय सर लेके संगठन बनाना चालू किया और एक हम वहाँ से कोशिश करने के बाद हमको उसका सफल भी मिला। तो मैं ये कहना चाहती कि कोशिश करना चाहिए, उसके लिए विजय भाई ने अपना दिन परिवार जो जितना सैक्रिफाइस करना तो सैक्रिफाइस कर चुके और अब हमारा जिम्मेदारी है। मैं विजय सर को एक मैं विदर टीम की तरफ से मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ कि अभी पूरे 6 असेंबली में हमारा टीम बन चुकी है और 6 में पूरे सब के सब टीम सेल्फ लोग सेल्फलेस है, कोई पद का लालच या फिर टिकट के लालच में कोई नहीं है। सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे बीदर जिले के 6 असेंबली में पूरे 6 असेंबली के प्रेसिडेंट हमें मौजूद है और 6 असेंबली के प्रेसिडेंट में लगभग 50-50 से 100-100 लोग वॉलंटियर रोज जुड़ रहे हैं। हम दोनों और हमारे सारे कार्यकर्ता आपको वादा करते हैं, वादा देते हैं कि सूफी संतों की ये कर्म भूमि से हम आम आदमी पार्टी को कल्याण कर्नाटका से जीत दिला के रहेंगे, ये हमारा वादा है। गुलबर्गा के अंदर में 4 डिस्ट्रिक्ट्स, गुलबर्गा, कलबुर्गी, बीजापुर, फिर हमारा बीदर और यादगीर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और बड़ा उत्साहजनक मीटिंग हुआ। दूर दराज से बिना 500 रुपया, बिना दारू बोतल, बिना गाड़ी की व्यवस्था किए बहुत सारे कार्यकर्ता अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और तालुका से, इवन गाँव से लोग आए और आगे की रूपरेखा जो है कार्यकर्ता के साथ एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आम आदमी पार्टी चुनौती देने जा रही है 2023 के इलेक्शन में और ZPTP इलेक्शन में। उस बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, संगठन के बारे में, अभ्यर्थियों को ढूंढने के बारे में, समाज में अच्छे जो लोग हैं उनको आह्वान देने का काम भी हम इस माध्यम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। इस तमाम चीज़ों पर डिस्कस हुई है। पार्टी एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2023 के इलेक्शन में जाने वाली है और एक मजबूत चुनौती जो है कर्नाटक में पेश करेगी ताकि दिल्ली का जो गवर्नेंस मॉडल है जिसको पंजाब के लोगों ने मौका जैसे दिया है तो उसका एक ही कारण था, एक बढ़िया बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन। तो कर्नाटक में एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम तीसरा राज्य हिंदुस्तान में बनाने जा रहे हैं जहाँ पर आम आदमी की सरकार 2023 में बनेगी।